शिक्षित खुद महान थे, इसलिए औलाद को भी उन्होंने नियोजन से संसार को दिया। जन्मजय राजा ने भगवान व्यास जी से पूछा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि देवी भागवत ही क्यों सुननी चाहिए, मेरे पिता के कल्याण के लिए कुछ और भी? तो भगवत सर, ये काल, ये समय नवरात्रि का, अश्विन मास का चल रहा है और शुक्ल पक्ष है, इस समय देवी का ही प्रभाव अधिक है, इसलिए हमें उनकी ही मदद लेनी चाहिए। जिसका प्रभाव अधिक हो उसकी मदद से काम बनता है, और जिसको कोई जानता ही नहीं नगर पालिका में, उसकी मदद लेते घूमो कोई सुनेगा? प्रभावशाली का फोन आना चाहिए। क्या फर्क पड़ता मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूं तो, पर मेरी बदौलत मेरे लिए अगर मोदी जी फोन करे भारत से, ऐसे ऐसे हमारा एक संत आ रहा है, सारी व्यवस्थाएं करनी है तुमको, तो मुझे लगता है कि सारे काम बनते चले जाएंगे, खड़े होते चले जाएंगे। प्रभाव के साथ में ही जीत है और अभाव में केवल कष्ट है। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? अभाव नहीं चाहिए, जीवन में भाव चाहिए। दोबारा से सुनो, जीवन में अभाव नहीं होना, जीवन में भाव होना। जिसके जीवन में भाव का प्रभाव है उसकी हर बात सुनी जाएगी भगवान के द्वार पर, और जिसके जीवन में भाव का अभाव है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? बिना भाव के बैंगन नहीं मिलता, भगवान कैसे मिलेगा? बिना भाव के कपड़े लत्ते कुछ नहीं मिलते, कैसे मिलेगा भगवान? इसीलिए जीवन में भाव की आवश्यकता है। पर भाव कैसा होना चाहिए? दो प्रकार का भाव होता है, एक होता है हवन का धुआं और एक होता है कचड़े का धुआं, दोनों ही धुआं है। तो हवन का धुआं क्या करता है? हवन का धुआं क्या करता है? जीव जंतु मच्छर कीड़े मकोड़े सबको शुद्ध करता है। और कचड़े का धुआं गाय भैंस बकरी जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान सबकी आंखों में आंसू लाता है। तो दो प्रकार का भाव होता है, धुआं दो प्रकार का, भाव दो प्रकार का, एक होता है अंध भाव और एक होता है सद्भाव, ज्ञान भाव, विवेक भाव। कभी कभी भाव में आदमी अंधा हो जाता है, फिर वो अंधविश्वास में पड़ जाता है। अंधविश्वास में जब पड़ जाता है तो पूजा के नाम पे, पाठ के नाम पे ही वो उसके साथ गद्दारी होती रहती है और बेचारे का काम बिगड़ता ही रहता है, बिगड़ता ही रहता है, बिगड़ता ही रहता है, और वो उनके भरोसे काम ही नहीं करता। तो भाव आपको देवी के प्रति चाहिए, हनुमान के प्रति चाहिए, आप जिसको मानते हैं उसके प्रति आपका भाव 100% हो, पर भाव सत्य होना चाहिए, अंध भाव नहीं होना, अंधा भाव नहीं चाहिए, भाव ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक चाहिए। अंध भक्त दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, उसको नुकसान भोगना पड़ता है, उसको अधिक संघर्ष करना पड़ता है, बाद में उसे भी भक्ति मिलती है, बाद में भगवान उससे भी खुश होते हैं, पर देर लगती है। आंख वाला रोड को किस तरह पास करता है और बिना आंख, दोनों को रोड पार करना है। बिना आंख वाले को कार चलाने को दे दो, आंख वाले को दे दो ट्रेनिंग, दोनों को ड्राइविंग की दे दो, पर आंख वाला गाड़ी को बहुत सुरक्षित चलाएगा और बिना आंख वाला गाड़ी को असुरक्षित ही चलाएगा। इसीलिए भाव ज्ञान वर्धक होना, विवेक वर्धक होना, भक्ति पूर्वक होना, सत्संग पूर्वक होना, अंध भक्त नहीं चाहिए। लंबा टाइम लगेगा भगवत प्राप्ति के लिए अंध भक्ति में। अगर आपकी भक्ति में सब तरफ एक ही रूप दिखता है तो ऐसी अंध भक्ति भी सच्ची भक्ति से श्रेष्ठ मानी है। अगर आपको सर्वत्र एक ही चीज दिख रही है, दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा, ये अंध भक्ति जो है ये वास्तविक भक्ति का स्वरूप भी है। पर एक और अंध भक्ति है
दूसरी कौन सी अंधभक्ति है? इस पेड़ के 25 चक्कर काटो बेटा होगा। इसके पे पत्तियां तोड़ के लाओ और ऐसे ऐसे चढ़ाओ, भगवान के मंदिर में जाके नौकरी लगेगी। ये अंधभक्ति है, ये ठीक नहीं। अगर इस तरह का हमारा जीवन है, अगर हम इसमें पड़े हैं, तो आप लंबे समय परेशान रहेंगे, लंबे समय। पेट में जाने के कई रास्ते हैं शरीर में, जहां से पेट में पहुंचा जा सकता है। पर पेट में जाने का सही रास्ता जो है वो एक ही है, उसका नाम है मुख। यहां से जो चीज पेट में जाती है वो धर्म अनुसार जाती है, इसलिए उसके जाने की कोई तकलीफ शरीर को होती नहीं है। अच्छा, इस छिद्र को बंद कर दो, यहाँ पट्टी लगा दो, और भी कई छेदों हैं, वहां से कुछ पेट में डालने की कोशिश करो, पता चल जाएगा आपको। सामान जाएगा, पर अधर्म के माध्यम से जाएगा, वो अधर्म है, वो रास्ता नहीं है तो नहीं है। फिर वहां से सुख देगा नहीं आपका गया हुआ पदार्थ, आपको बीमार कर देगा। इसीलिए अंधविश्वास का जो भक्ति है वो आपको बीमार करती है, अस्वस्थ करती है, आपके परंपरा को, आपके धर्म को भी वो बीमार करती है, पीछे ले जाती है। इसीलिए पहले लोग भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते थे जंगलों में, और वहाँ कुछ वर्ष रह करके भक्ति का ट्रेनिंग करते थे, सीखते थे, और फिर भक्ति करते थे। जैसे जैसे राम गए, कृष्ण गए, मैं भी गया, आप नहीं गए। आप नहीं गए तो फिर आप क्या भक्ति करते हैं? फिर कुछ नहीं, मन में जो आया सो, जो अच्छा लगा मार्केट में वही लाके घर में धर लिया। पहले से 75 रखे हैं और 76 हो जाएंगे, एक और 78, 80, भगवान 80 घर में। अनेक अनेक रूप हैं भगवान के, सब रूप एक में देख लो, तब तुम्हारी भक्ति फटाफट आगे जाएगी। अगर आप अनेकों में भी सब रूप देखने लगोगे तो टाइम बहुत लगेगा, नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो हो। राजा जन्मजय को भगवान व्यास जी ने कहा, पुत्र देवी भागवत अनंत अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर जगत माता अनंत शक्ति का वर्णन चित्रण है। सारे संसार में जब प्रलय हो जाता है तो प्रलय को भगवान विष्णु अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, और भगवान विष्णु को जगदम्बा धारण कर लेती हैं अपने गर्भ में। हिरण्यम पात्रम पिहितम मुखम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। भूतस्य माने समस्त भूतों को, समस्त भूत माने जीवों को भगवान विष्णु अपने गर्भ में ले जाते हैं, उन्हें पी जाते हैं, पहाड़ों को, समस्त जीव जंतुओं को। कब? प्रलय के समय सबको भगवान कहाँ ले जाते हैं? गर्भ में धारण कर लेते हैं, और फिर स्वयं कहाँ चले जाते हैं? अम्बा जगदम्बा, अम्बा अंबर में, भवानी के गर्भ में। इसीलिए परमात्मा के रूप में भवानी ही श्रेष्ठम श्रेष्ठम है, ईश्वर के रूप में भी परमात्मा के रूप में ही, भगवान के रूप में आदि शक्ति ही परमात्मा का असली रूप है। इसलिए हे वत्स, देवी भागवत की कथा समय अनुसार तुम्हें सुननी चाहिए, और भवानी का यज्ञ करना चाहिए तुमको, तो तुम्हारे पितरों का जो ऋण है वो उऋण हो जाएगा। क्यों? यज्ञम भूयंत सर्वदाम। भरत जी, केवल यज्ञ ही ऐसी पूजा है जो 10 दिशाओं में प्रसाद को पहुंचा सकती है। यज्ञ के अलावा कोई भी पूजा आपके भोजन को भगवान तक पहुंचा सकती नहीं है। इसीलिए श्राद्धों में अग्नि जलाकर एक ही टूका थोड़ा सा ही डालते हैं, पर अग्नि में अर्पण करते हैं पितृ तक जाने के लिए। क्यों? शास्त्र कहता है अग्नि देवानाम मुखम। अग्नि क्या है? 33 करोड़ देवताओं का मुख है।
भावना से भगवान को आप खिलाओ, प्लेट में थाली में सजा के मंदिर में रखो, ये भावना का भोग है। पर ओरिजिनल भी खिला सकते हैं। कैसे खिलाएं? तो बलवैश्य यज्ञ करके, पांच यज्ञ हैं हमारे शास्त्रों में। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ यानी ध्यान उपासना करना, दूसरा यज्ञ देव यज्ञ अग्निहोत्र करना, तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ माता पिता की जीवित सेवा, उनको बढ़िया बढ़िया घी की पूड़ियाँ बढ़िया बढ़िया पराठे खिलाना, उनके अनुसार उनकी इच्छा पूछ के भोजन बनाना, बुजुर्गों की इच्छा पूछ के भोजन बनाना, ये यज्ञ है। कौन कर रहा है ऐसा यज्ञ भाई बताओ? है दादी क्या खाओगी आज? दादी कह रही है बेटे आज दाढ़ उखड़वा के आई हूं, सूजी का हलवा होना है। बहू कहती है बताओ 90 साल की हो गई पर जीव ना सुधरी बुढ़ी की, बताओ बताओ हाल बुरा है। बहू सुन लिया ना, बहू ने किचन में क्या बोल रही है पोते को, बेटे दाढ़ उखड़वा के आई हूं रोटी नहीं खा सकती, डॉक्टर ने हलवा बताया 8 दिन गरम गरम घी डाल के, जिससे जल्दी शेक हो जाएगा दर्द खत्म हो जाएगा। बहू कहती है बेटे को बुला के इधर आओ, देखा 9:30 बज रहे हैं, 10 बजे मुझे पहुंचना ऑफिस, ये रोटी रखी है तेरी दादी खाए तो खाए नहीं कुआ में जा। ये कौन सुन रहा है? दादी का पोता। दादी ने कहा वो भी सुना और मम्मी ने कहा वो भी, दोनों कथा सुनी बेटे ने। बेटा तैयार हो रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग मम्मी ट्रेनिंग दे रही है कि बेटे मेरी दाढ़ उखड़ेगी तो डंडे देना मुझमें, तो रोटी की जगह पत्थर ला के रखेगा बेटा, ले पत्थर खा। इसीलिए बूढ़ी अम्मा के बूढ़े पापा के दांतों के समय हलवा का ध्यान रखो, गर्मा गर्म मूंग की दाल का हलवा किशमिश डाल के दादी के सामने जब आएगा तो दादी जो है जल्दी से हरी भरी हो जाएगी। दादी फिर कहेगी बहू तुम ओवर टाइम भी कर लिया करो, मैं हूं घर पे, चिंता मत करो, क्योंकि दादी जो खाती है उसका चुकाती है, दादी मुफ्त में कुछ नहीं खाएगी, क्योंकि दादी को 100 साल की जिंदगी का अनुभव है कि किसी का भी मुफ्त में नहीं खाना चाहिए। बुजुर्ग घर में नहीं रहे तो घर खाने को दौड़ता है, भारत में, दूसरे देशों में बुजुर्ग घर में रहें तो घर खाने को दौड़ता है।